गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.5 किया था। आज हम लोग लर्निंग अपडेट्स करेंगे। ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक। तो ये आपका चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। राइट द फर्स्ट फोर मल्टीपल ऑफ टू। तो टू का टेबल हम लोग फोर तक पढ़ेंगे, ठीक है। इसको रफ कॉपी, इसको मैं बता दे रहा हूँ, आप फेयर कॉपी पे करेंगे, ठीक। देखिए मल्टीपल ऑफ टू, तो यहाँ लिख लेंगे मल्टीपल ऑफ टू। तो टू इंटू वन टू, टू इंटू टू फोर, टू इंटू थ्री सिक्स, टू इंटू फोर एट। दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ टू। उसी तरह थ्री का, सेवन का, फोर का कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन नंबर वन कॉपी पे करना है, क्वेश्चन नंबर टू बुक पे करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। थ्री इंटू इलेवन 33, सो 33 इज द मल्टीपल ऑफ थ्री एंड 11, ठीक, दोनों का है मल्टीपल। फाइव इंटू नाइन इज इक्वल टू 45, 45 इज द मल्टीपल ऑफ फाइव एंड नाइन। थ्री इंटू फोर इंटू सिक्स इज इक्वल टू 70, 70 इज द मल्टीपल ऑफ थ्री, फोर एंड सिक्स। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस। अब 3 इंटू सेवन इज इक्वल टू 21, सो 3 एंड 7 आर फैक्टर्स ऑफ 21। उसी तरह ये अलग कर लेंगे, ठीक है ना। राइट द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो ये देखिए कैसे करना है। तो 3 के मल्टीपल्स आप लिख लीजिए, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 थ्री जा 9, 3 फोर जा 12, 3 फाइव जा 15, 3 सिक्स जा 18, 3 सेवन जा 21, 3 एट जा 24। यहाँ तक लिए आप 4 का मल्टीपल देखेंगे, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12, 4 फोर जा 16, 4 फाइव जा 20, 4 सिक्स जा 24। तो दो कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं, तो टू कॉमन मल्टीपल्स, एक तो ये देखो ये और ये, तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ थ्री एंड फोर इज 12, 24, हो गया। उसी तरह राइट द फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल 4, 6, 8। ये क्वेश्चन जो है ये वाला भी आप कर सकते हो, ये कॉपी पे करने हैं दोनों क्वेश्चन। फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग 15 के सारे फैक्टर्स, आपको फैक्टर्स पता लगाने का तरीका बताया था, तो यहाँ देखो मैं तो बता रहा हूँ फैक्टर ऑफ 15। तो 15 के फैक्टर्स 1 इंटू 15, 15 हो गया। फिर 3 इंटू 5, 15 हो गया, और तो कोई हो नहीं सकता, तो यहाँ लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 15, 1, 3, 5 और हो गया ये फैक्टर्स, ये फैक्टर्स होते हैं, ठीक। उसी तरह से आगे वाले क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ये भी कॉपी पे करने हैं। फाइंड ऑल नंबर्स बिटवीन 25 एंड 65 हुज फैक्टर्स आर 2, जिसके फैक्टर्स 2 हों। तो 25 जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो सबके फैक्टर्स 2 होंगे, जैसे 26, 28, ठीक है, और 30, 32, 34 ऐसे करके। उसी तरह 5 वाला, जैसे ये 25 हो गया, 30 हो गया, है ना, 5, 5 के मल्टीपल्स निकाल लेंगे। 10 वाला जैसे हो गया, 30 हो गया, और तुम्हारा 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 2 एज वेल एज 5, अब देख लेना उसमें जो कॉमन आ रहे होंगे, ठीक है ना, ये कॉपी पे करने हैं। राइट येस और नो, ये बुक पे करना है। 246 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, तो अगर ये डिवाइड हो रहा है 3 से, तो देखो 4, 2, 6, यस ये डिवाइड हो रहा है, देखो ना 2 प्लस 4, 6, 6 प्लस 6, 12, 12 3 से डिवाइडेड है, यस 246 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3।
फाइव इज़ अ फैक्टर ऑफ 395, यस, क्योंकि लास्ट में फाइव है, तो ये भी यस हो गया। एट इज़ द फैक्टर ऑफ 2478, डिवाइड करो, अगर डिवाइड हो जाता है ज़ीरो आता है तो यस, अगर नहीं होता है तो नो। 403 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3, 4 प्लस 3 कितना हुआ 7, 73 से नहीं कट रहा था, यानी कि ये नो हो गया, हो गया। अब कह रहा है कि दीज आर कलेक्शन ऑफ बलून्स ऑफ 3 कलर्स, कलर द बलून एज यू कोड गिवन, ऑल द बलून डिविजिबल बाय 2 ओनली, जो 2 से हैं डिविजिबल उनको ग्रीन से करेंगे। देखो मैं लिख दे रहा हूँ कि सिर्फ 2 ओनली, 5 से नहीं कटेंगे, है ना। अब देखो सिर्फ जो 2 से कट रहे होंगे तो लास्ट में, जैसे ये देखो यहाँ पर ग्रीन मैं लिख दे रहा हूँ, ये ग्रीन कलर का होगा, तुमको मैं तुम जहाँ जी लिख रहा हूँ वहाँ ग्रीन कलर करेंगे ना, ये जी। अब देखो इसमें और नहीं है, ये भी जी ग्रीन कलर, ये भी जी, ये भी ग्रीन कलर का होगा, ये भी ग्रीन कलर का होगा, ये भी ग्रीन होगा, ये भी ग्रीन होगा, ठीक। 5 से जो कटेंगे वो येलो कलर के होंगे, तो वहाँ पर वाई, ये देखो ये वाई वाई, तुम बोलोगे जीरो वाले भी, लेकिन वो 10 से भी कट रहे हैं ना, सिर्फ 5 ओनली की बात हो रही है, तो ये वाई, ये वाई वाई और नहीं है वाई वाई। अब कह रहे हैं 2 से भी कटेंगे, 5 से भी कटेंगे, 10 से कटेंगे, तो जिनके लास्ट में 0 आएगा वो ये होगा, तो ये हो गया रेड, रेड हो गया, रेड 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 रेड। अब आप कलर कर लेंगे इसको, ठीक है ना, ये मैंने आपको सॉल्व कर दिया, ये आप कलर कर लीजिएगा। और ये मेंटल मैथ ये आपको अपने से करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक, ये आपको अपने से करना है, दिस इज़ योर होमवर्क, इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए बाय।